बेटे अब्दुल्ला के साथ कोर्ट में पेश हुए आजम खान, सीतापुर के जेल में बंद सपा नेता और रामपुर सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2008 में सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में चल रहे मुकदमों में आज पेशी के लिए मुरादाबाद की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। भारी सुरक्षा के बीच 12:15 बजे आजम खान को कोर्ट के सामने पेश किया गया और लगभग 1.5 घंटे के बाद उसी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल के लिए रवानगी हो गई। इस मामले में जानकारी देते हुए आजम खान पक्ष के वकील दिनेश पाठक ने बताया कि 3 अलग अलग मामलों में आजम खान और उनके बेटे की पेशी हुई है। इसमें से 2 मामलों में 6 अगस्त और 1 में 24 अगस्त की तारीख लगी है। क्या रहा आज कोर्ट के अंदर जो आजम खान साहब की पेशी थी? कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान साहब दोनों पेश हुए जी। उनको कस्टडी ले ली गई है 2 केसेस में। एक केस था जो पेंडिंग है, इनको एक्सपेंडर डिक्लेयर किया था, उसके एफआईआर होने के बाद जो है उसमें एक कस्टडी हुई है और एक कस्टडी जो पेंडिंग था उसमें हुआ। आप उनके वकील हैं आजम खान साहब के जी? आप आजम खान साहब के वकील हैं ना? हाँ जी। तो आप कब लाया जाएगा मुरादाबाद? अभी 24:08 लगी है, अगली डेट है। हाँ, पहले हम बेल डालेंगे। पहले बेल पड़ेगी, बेल का इन्हें सीतापुर से ही लाया गया था। सीतापुर से आप कहाँ गए? अब सीतापुर गए जी। जी जी, वहाँ पर कैमरा पीछे को जो केसेस थे उसमें कस्टडी में लिया गया है। 2 केसेस का कस्टडी में लिया है। एक तो थाना सेक्रेट का जो 2008 का मैटर था उसमें कस्टडी में लिया है, 343 धारा में। दूसरे ये कि उसी में जब ये इनके वारंट हो गए थे तो एक और मुकदमा थाना सेक्रेट की पुलिस द्वारा ही पंजीकृत कराया गया था इनके विरुद्ध, उसमें भी कस्टडी में लिया है। वो धारा है 174A, उसमें कस्टडी दोनों में हो गई है। किनको कस्टडी में लिया गया? आज मोहम्मद आजम खान और कितने दिन के लिए लिया गया? पढ़न कितने दिन के लिए? 6-8 तक। जी जी जी, 3 केसेस थे, तीनों में 2, एक में 6-8 तक के लिए, एक में 24-8 तक के लिए। केस में 6-8 तक के लिए, एक में 24-8। अब इन्हें कहाँ ले जाया गया? सीतापुर जेल लेके गए हैं। सीतापुर जेल से ही इन्हें माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में। क्या नाम है आपका? शाहनवाज।